हेलो नमस्कार। सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 चर्चाओं में बनी हुई है। टाइगर 3 का चर्चाओं में बने रहने का रीज़न यही है कि सलमान खान लंबे समय के बाद एक अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी से मूवी लेकर के आने वाले हैं। उन्होंने दबंग फ्रेंचाइजी से भी, दबंग की जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट अभी आई थी उसमें ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई। तो अब कहीं ना कहीं सलमान खान सामने आने वाले हैं टाइगर 3 के साथ, जो कि टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद ये तीसरी मूवी है। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को लेकर के फैंस में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि ये एक एक्शन मसाला मूवी होने वाली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या मूवी के जो ट्रेलर है उसकी टाइमिंग रहने वाली है, यानी कि कितने मिनट कितने सेकंड का ये ट्रेलर होने वाला है, कौन कौन आपको ट्रेलर में दिखने वाले हैं, सारी बातें। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये मूवी फुल ऑन एक्शन पैक मूवी है, एक बड़े बजट की मूवी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि कोई 200-300 करोड़ के बजट की तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे बजट की मूवी है। 100 से 150 करोड़ के बीच में इस मूवी का बजट है। तो ये एक्शन अच्छा खासा इस मूवी में रहने वाला है। और दूसरी बात कि YRF की तरफ से मूवी आने वाली है, यानी कि यशराज फिल्म की तरफ से, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर स्क्रीन्स पे फिर आपको मूवी देखने को मिलती है। और अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में हमें सलमान खान तो फुल ऑन एक्शन में दिखेंगे, लेकिन सलमान खान के साथ हमें कैटरीना कैफ भी दिखने वाली है। जी हाँ, कैटरीना कैफ की अगर हम बात करें तो वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी और फुल ऑन एक्शन में देखने को मिलेगी। इससे पहले टाइगर जिंदा है में भी हमें बहुत अच्छे एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दी थी कैटरीना कैफ, और उसके बाद अब हमें कहीं ना कहीं ये जो आप इसे कह सकते हैं स्पाई यूनिवर्स जो YRF बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक सोलो पोस्टर हमें देखने को मिला है कैटरीना कैफ का भी। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं वो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लेकिन अब मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं, तो ये जो ट्रेलर है ये रिलीज़ होने वाला है 16th of October को। जी हाँ, 16th of October को ये ट्रेलर रिलीज़ होने वाला है। और इस ट्रेलर की जो टाइमिंग रहने वाली है, यानी कि ड्यूरेशन रहने वाली है, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 2 मिनट 51 सेकंड की। जी हाँ, 2 मिनट 51 सेकंड की जो है मूवी की ड्यूरेशन रहने वाली है। वेल, आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स से जानी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।